जी तो नाज़रीन, आपका सस्पेंस हो चुका है खत्म। अगर किसी ने गेस किया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ सीरत से, शोबेस की जान आन शान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में आए? मुझे 6-7 साल हो गए फील्ड में आई। तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 6-7 साल में? बहुत अच्छा, जहाँ भी गई हूँ अल्लाह पाक का शुक्र है, पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है। साहिवाल के अलावा और किस सिटी में काम कर चुकी हैं? मैंने हर सिटी में काम किया, लाहौर में किया है, पूरे पंजाब में मैंने काम किया होगा, लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, गुजरावाना में, बहुत सारे शहर हैं जिनमें मैंने काम किया। साहिवाल की आवाम कैसी लगी? बहुत अच्छी है, यहाँ की आवाम सबसे हटके है, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आपके माशाल्लाह मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, तो कभी किसी फैन ने इरिटेट किया, आपको तंग किया? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी मेरे साथ मसला नहीं बना, सभी फैन जो हैं वो मेरे साथ प्यार करते हैं और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे लाइक करते हैं, मेरे साथ प्यार करते हैं, बस यही कुछ होता है फील्ड में, और क्या होता है। मैंने सुना है कि आप बैली डांसर भी हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना अर्सा लगा ये सीखने में? तकरीबन 1.5 साल। साल डेढ़ साल में आप इतनी अच्छी बैली डांसर बन? जी जी बिल्कुल, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है मुझ पर। अच्छा, तो जितने भी फैंस होते हैं लाइंस में लगे होते हैं, हमारे साथ सेल्फी ले ले, हमारे साथ सेल्फी, तो कोई सबको सबके साथ सेल्फी होती है या फिर उनमें से किसी एक दोस्त से जिसका आपका दिल करे? नहीं नहीं, सब एक जैसी हैं मेरे लिए, फैंस तो फैंस हैं, सब एक जैसी हैं, जो भी बोलते हैं ना सेल्फी के लिए फिर उनके साथ बनवा लेती हूँ। मैं भी आपके साथ सेल्फी लेके जाऊँ? बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं जी। अच्छा जी, तो साहिवाल के अलावा और सिटी में काम कर चुकी हैं, आपका फेमस कौन सा ऐसा शो गया जिसपे लोगों ने बहुत पसंद किया? हर शो ही फेमस होता है, हर शो ही अच्छा होता है, बस ये पब्लिक पे डिपेंड करता है ना कि पब्लिक आ रही है, और मैं जहाँ भी गई हूँ अल्लाह पाक का इतना शुक्र है कि जहाँ भी गई हूँ ना हाउसफुल ही हुए, हाउसफुल ही आएंगे। अच्छा जी, तो मुझे कोई डायलॉग ही सुना दें। कौन सी फिल्म का डायलॉग सुना दें? कोई भी जो आपको सबसे मज़ेदार लगता हो, जो आपको पसंद आता हो कि लोग इंजॉय करते। मैं डायलॉग इतने याद रखती नहीं हूँ। इसके अलावा आप मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताएं, फैमिली को कैसे मैनेज कर लेती हैं? फैमिली बस करना पड़ता है, अब काम भी है, अगर फैसलाबाद में हूँ फिर तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अगर ऐसे आउटडोर पे हूँ फिर ज़रा थोड़ी सी मुश्किल बन जाती है, फिर मैं उनके साथ फ़ोन पे अटैच रहती हूँ, फिर ऐसे मैनेज करती हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता होगा दोनों काम एक साथ मैनेज कर? जी बिल्कुल, अब मुश्किल तो हो जाता है लेकिन फिर भी दोनों करती हूँ, करने भी पड़ते हैं, ये काम भी करना है और घर वालों को भी टाइम देना, फिर घर वाले पहले हैं काम बाद में, क्योंकि उनकी दुआओं से ये सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। आपको शौक कैसे पैदा हुआ? मैडम की तरफ देख के, मैडम नरगिस जो है वो मेरी आइडियल हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं, तो उनकी तरफ जब देखा है, उनके गाने देखे हैं, उनके ड्रामे देखे हैं, तो फिर मैं उनकी फैन बन गई बहुत, फिर मैंने काम ज्वाइन किया, मैंने कहा मैंने भी करना ही। कैसा एक्सपीरियंस मिला लोगों का, लोगों से कितना प्यार मिला आपको? माशाल्लाह इतना प्यार मिल रहा है, ढेर सारा, मैंने अभी इतना सोचा भी नहीं था जितना मुझे प्यार मिलता है पब्लिक से। अच्छा, कितने अर्से में आपने ये सीख लिया सब कुछ मैम नरगिस से? ये अगर सीखने की बात करती हैं तो अभी तक तो हम सीख ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये बात बताई थी कि ये फील्ड जो है वो एक समंदर है, जितना भी सीख लोगे उतना कम है, और मैं तो अभी तक सीख ही रही हूँ, स्टार्ट है अभी तो ये कुछ भी नहीं, उन्होंने 40 साल काम किया तो फिर भी वो कहती थी मैं अभी सीख रही हूँ, तो मुझे तो अभी टाइम ही कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, तो हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बस उनको मैसेज यही है कि वो आए, फैमिली ड्रामे हैं, आए आके देखें और हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, हमें देखें, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।